क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। हेलो रवि, कैसी हो संध्या? मैं ठीक हूँ, और कहाँ हो तुम? मैंने कितना फोन किया तुम्हें, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। अरे अब संध्या क्या बताऊँ मैं, मेरा काम ही ऐसा है, रिपोर्टिंग के सिलसिले में ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ नेटवर्क गधे के सींग की तरह गायब हो जाते हैं। आज ही शहर वापस आया हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें आश्रम में कैसा लग रहा है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लोगों का बाबा पे विश्वास और उनका चमत्कार मुझे एहसास दिला रहा है कि पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। थैंक यू। अच्छा ये बताओ तुम वापस कब आ रही हो? पता नहीं रवि। मतलब? वो क्या है ना, आश्रम का नियम है कि जब तक बीमार इंसान पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उसे और उसके परिवार वालों को यही आश्रम में रहना पड़ता है। अरे रवि चुप क्यों हो, कुछ दिन की बात है, हमेशा के लिए थोड़ी रुक रही हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है संध्या बहन, बाबा ने आपको बुलाया। एक मिनट। अच्छा सुनो रवि, मुझे ना अभी जाना पड़ेगा, बाबा ने मुझे बुलाया है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, चलो टेक केयर। प्रणाम बाबा। बाबा आपने मुझे बुलाया। बोलो बच्चा, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे पिता कैसे हैं अब? बाबा आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरे पापा अभी चलने फिरने लगे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रह पाएंगे। क्यों? फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा क्यों बाबा? जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। क्या मेरे पापा कभी ठीक नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं, अगर तुम अपनी शुद्धि करा लो तो। शुद्धि? ये क्या है बाबा? कृष्णा। संध्या तुम्हें नहला धुला के पवित्र किया जाएगा और फिर बाबा तुम्हें प्रसाद देंगे, उस प्रसाद को खाकर तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। लेकिन बाबा मेरी शुद्धि से पापा का ठीक होने का क्या संबंध है? तुम उनकी बेटी हो, जब तक तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होगा तुम्हारे पापा को फल नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा पूर्णतः स्वस्थ हो जाए तो तुम्हें अपनी शुद्धि करानी होगी। ठीक है बाबा, मैं अपनी शुद्धि करवाऊंगी। शांति शांति शांति। मोहन को अपना मोबाइल दे दो। लेकिन क्यों कृष्णा दीदी? आश्रम के अपने कुछ कायदे कानून हैं, उसके अनुसार शुद्धि के बाद कोई भी अपने पास मोबाइल जैसी भौतिक चीजें नहीं रखता है। दीदी ठीक है।
संध्या अब तुम आराम से बैठो, बाबा शुद्धि के लिए आते ही होंगे, ठीक है? जी दीदी। दरवाजा क्यों बंद किया बाबा? शांति शांति बच्चा शांति शांति। बाबा ये आप क्या कर रहे हो? शुद्धि की शुरुआत कर रहा हूँ बच्चा। नहीं पापा, मुझे ना घबराहट हो रही है। घबराने का नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ना तुम्हें सब चीजों की आदत हो जाए। पापा मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी, मोहन भैया, मोहन भाई, पापा। कौन? क्यों चिल्ला के भी अपना वक्त बर्बाद कर रही है? यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, स्वयं को मेरे हवाले कर दो। एक नए जीवन का आगाज। मैंने आपकी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, तुम्हारे पिता ने मुझ पर भरोसा किया था, समझे तुम? मैंने किया, ठीक है, पर मेरे पापा ने तो किया ना, तो क्यों मेरे पापा को मेरे साथ तोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तुम बेकार में मेरा समय बर्बाद कर रही हो और साथ में मेरा मूड भी खराब कर रहे हो। चलो चलो, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। मामा नहीं 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 कुछ भी करो, मैं शुद्धि करके करके बाबा, ये रश्मि है।
चलो रश्मि। बाबा आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? शुद्धि करने के लिए कमरे का दरवाजा बंद होना बहुत जरूरी है। अच्छा। ये क्या कर रहे हैं बाबा? देखो रश्मि, शुद्धि करने से पहले तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध रखना पड़ेगा। यदि बाबा किसी को पता चल गया तो? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ जितनी भी लड़कियों के साथ शुद्धि हुई, आपने उन सबके साथ शारीरिक संबंध बनाया? कैसे बन जाते बाबा ऐसे लोग यार? अगर कोई आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दे तो? जो शुद्धि कराने के लिए एक बार मना करता है ना, मैं उसकी शुद्धि बार बार करता हूँ। अगर बाबा इस आश्रम से कोई भी बच के निकल गई और उसने पुलिस वगैरह को बता दिया तो? पुलिस को हम खरीद लेते हैं, उसके बाद उस लड़की को जान से मार के इस आश्रम की जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन ये बात बता, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बोलो। बाबा जी, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो आपके लिए ही आई हूँ ना। अब हम करेंगे तुम्हारी शुद्धि जेल में। इसका मतलब तुम पुलिस वाली हो, ठीक है? हमने अपने जीवन में कभी किसी पुलिस वाले की शुद्धि नहीं की, आज कर लेते हैं, तुम भी नहीं बचोगी। मैंने कहा था ना मैं सबके सामने तुझे बेनकाब करूंगी। बहुत सारी जिंदगी तूने बर्बाद की है ना, तेरा क्या होगा? थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर रश्मि नेगी, आपने बहुत बहादुरी का काम। थैंक यू सर। मेन काम तो संध्या ने किया, इसने अपने जान पर खेलकर तकिया के नीचे रिवॉल्वर रख कमरे में कैमरा लगाया। और संध्या, नैना का बॉडी भी इसी ने किया था, शुद्धिकरण के नाम पे उसका रेप करने के लिए।